नमस्कार दोस्तों भाई। देखो हम आए हैं, टेम्परेचर तो आई हो गया फ़ोन का, साथ में ही गर्मी ज़्यादा है। हम आए थे गांव के जोड़ पे और उस पेड़ के नीचे हैं जो काफ़ी पुराना है, जोड़ के ऊपर, और सोचा वहाँ जाके आराम करें, ठंडक मिलेगी बढ़िया। ठंड इधर बढ़िया है एक नंबर, और वैसे से बैठी हैं उधर पानी में और सामने दिख रहा है जोट। गांव की सुंदरता खूबसूरती यही है कि कड़ाके की धूप में गाड़ी छाँव, पेड़ पौधे हरे भरे हरियाली, लेकिन बहुत सारे पौधे कटवा दिए पंचायत ने, सो उनका काम है वो जाने। लेकिन ये दिखाओ पुराना पेड़ जहाँ पे हम खड़े हैं, इसको दिखा दें, तने देखो, पेड़ा ले लिए, बन गया, जड़ों ने बना दिया इसको पौधा, जहाँ जड़ लग गई समझो आगे फिर वो स्टार्ट हो गया। और सुंदर बहुत है नज़ारा यहाँ का, इस पेड़े के नीचे आप खड़ोगे ना, लाइटनिंग, ठंडक सब कुछ मिलेगा, लाइट भी अच्छी है, रोशनी अच्छी है, वीडियो भी खास आती है इसके नीचे, देख रहे होंगे आप बिल्कुल साफ। और जड़ मेरे पीछे देख रहे हो, देखो कैसे जड़ ज़मीन में लग रही है, और सपोर्ट मिल गया पौधे ने, नहीं तो भारी भरकम वजन हो जाए टड़े इसकी टहनी के नीचे। और उधर भी जड़ें लग रही हैं, और देखो जड़ नीचे लग रही है ना मिट्टी में, सपोर्ट मिल गया उधर भी, और उधर भी सपोर्ट मिल गया, ये फैल जाएगा ऐसे। और भारत के अंदर एक बहुत बड़ा बड़ का पेड़ है जिसके नीचे पूरी की पूरी बटालियन आर्मी की बैठती है वो भारत के अंदर, और बहुत काफ़ी बड़ा है, ऐसे बड़ा नहीं, पूरी बटालियन का पेड़ के नीचे बैठना मतलब बहुत बड़ा पेड़ है। ऐसे स्पॉट अलग अलग के, अलग अलग के काफ़ी एरिया में है वो, है एक पेड़ और वो बड़ा ही है एक पेड़, वो कहाँ पे है यदि कोई जानकार है तो बताना, मेरे दिमाग में फ़िलहाल वो जगह का नाम नहीं है, शायद आपके दिमाग में हो। इतना बड़ा बड़ का पेड़ है कि उसके नीचे आर्मी की पूरी बटालियन बैठती है, कमाल की बात है ना, आर्मी की पूरी बटालियन है वो। इंडिया में किस जगह पे है फिलहाल दिमाग में नहीं है, यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मनोरम दृश्य देखो ऊपर से कैसे दो लग रही है, लाइटिंग लग रही है ना, और ठंड है, पूरी ठंड है, फ्रिज कितने जैसे फ्रिज खोलते हैं ना ठंड लगती है, वैसे ही ठंड है। मैं वहाँ से चल के आ गया, तकरीबन 2-3 किले चल के आया हूँ दूह में यहाँ आने के लिए, क्योंकि जो नज़ारा यहाँ पे है ना वो वहाँ पे नहीं है, वहाँ तो उस पेड़े के पेड़े हैं, और बड़ भी है वहाँ, छोटा है थोड़ा, लेकिन ये बड़ बहुत पुराना है भाई, बहुत पुराना, मैंने तो अड्डा ही देखा इसको, कितना पुराना है आप अंदाज़ा लगा लेना। पीछे पार्क वगैरह सुविधाएं तो सरकार बहुत बनाती है, लेकिन लोग है ना उसको ख़राब कर देते हैं। ये जोड़ बनाया था पर्यटक स्थल के रूप में, अमृत सरोवर, लेकिन यहाँ पे पानी भी नहीं है, पंचायत ने इसमें पानी डालना उचित नहीं समझा, किश्ती वगैरह भी निकाल के रख दी, लोग अपना मनोरंजन ना कर सकें, कमाल की बात है ना। सेफ्टी की बजाय चीज़ को बंद कर दो, ऐसा रत्तखेड़ा की पंचायत ने किया, यहाँ सेफ्टी करनी चाहिए थी और पानी भरना चाहिए था, सुविधाएं पीने के पानी की सुविधा वगैरह तो एक साइड में है, लेकिन यहाँ पे वाटर कूलर की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे लोग दूसरे गांव के लोग देख करके आए, बच्चे घूमें, पार्क की व्यवस्था होनी चाहिए, छायादार वृक्ष लगने चाहिए, ये सारी सुविधाएं बाकी हैं होनी चाहिए, जिससे गांव का माहौल सुंदर बने। आपकी क्या राय है बाकी आप बता देना। धन्यवाद दोस्तों।